हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के बलवा कुवारी गांव में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 160 कार्टन बियर बरामद किया है। वहीं एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग ने बताया कि कारोबारियों ने बियर को थर्माकोल के बने आइस बॉक्स में इस कदर सील पैक रखा हुआ था जिससे बियर महीनों ठंडा रह सके। होली का समय है, इसी को मद्देनजर रखते हुए बियर की बोतल मंगाई गई थी। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सील पैक ही आया है और इसे मछलियों के साथ ट्रकों में लाया गया है, क्योंकि आइस बॉक्स के ऊपर जो भूसा सटा हुआ था वह आम तौर पर मछलियों के साथ ही आता है, साथ ही उससे मछलियों जैसी गंध भी आ रही थी। उत्पाद विभाग ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर बलवा कुवारी गाँव के एक मुर्गी फार्म पर छापेमारी की गई। तब वहां भूसे में छुपाकर रखा गया बियर भारी मात्रा में बरामद किया गया। इसकी कीमत कम से कम 16 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि होली के दौरान इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने पर दाम 25 लाख से अधिक भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पावर्ड बाय मंदी किचन, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। पकड़े गए, क्या हुआ था? हम थाना पर बैठे हुए थे और बाबूजी का मेरा श्राद्ध एक दिन पहले ख़त्म हुआ था। हमको इस बात का कुछ जानकारी नहीं था, नहीं तो हम फार्म पर बैठते ही नहीं। और उसी दौरान मेरठ पड़ा, वहाँ से सामान निकला, हमको मालूम हुआ कि यहाँ सामान, नहीं तो हमें कुछ जानकारी नहीं इसके विषय में। तो भाग क्यों रहे थे? भागे नहीं, हम तो वहीं पे थे। शराब से रिलेटेड कोई कारोबार करते थे क्या? जी, शराब से रिलेटेड कोई कारोबार करते थे? कोई, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। कैसे कैसे क्या कार्रवाई हुई है, कितना गिरफ्तारी हुई है और कितना सामान? ये कल हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली संध्या के समय में कि कल रात्रि में भारी मात्रा में शराब बलवा कुवाड़ी में लाया गया है और आम के बगीचा और केला के बगान में ये मुर्गी फार्म में छुपा कर रखा गया है। इसी सूचना पर हम लोगों के द्वारा करीब 7 बजे छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान वहाँ से भाग रहे एक व्यक्ति है राजू कुमार सिंह को हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया है, हम लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। और जो वो मुर्गी फार्म थी उसकी तलाशी लेने पर भूसा के ढेर के अंदर छुपा कर रखा हुआ थर्मोकोल का डब्बा, जिस थर्मोकोल के डब्बा में आइस बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसमें बर्फ और एक डब्बे में 4-4 कार्टून बियर किंगफिशर का जो फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल का है वो रखा हुआ बरामद किया गया है। और उसी भूसा के ढेर से लगभग ये 80 कार्टून विदेशी शराब भी जो एरिस्टोक्रेट ब्रांड का है वो बरामद किया गया है। कितना लागत होगी इसकी? ये लागत तो लाखों में होगी, क्योंकि 10,000 रुपये कार्टून अगर करते हैं तो 8×16 तो लगभग 16 लाख का है। और ये तो होली के समय में ये बिक्री का होना है तो ब्लैक मार्केटिंग में किसी कीमत पर इसको बेचा जा सकता है। अच्छा, तो कैसे जो हमने जो इसका क्या थर्मोकोल का जो किया गया था, ये क्यों किया गया था थर्मोकोल? थर्मोकोल का यूज़ किया गया था कि बियर जो प्रचलन में है वो ठंडा करके पीने का होता है, तो चूंकि ठंडा करने का तो अब इतना पुलिस और हम लोगों का दबिश है कि कोई कहीं इसको ठंडा करने के लिए तो रख नहीं सकता है, तो वहीं से बंगाल के जहाँ से राज्यों से ये आया है वहीं ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि ये महीनों उसमें ठंडा रहेगा। एयर प्रूफ बना दिया गया कि जब तक ये आप इसको यूज़ नहीं कर ले, बेच नहीं ले, तब तक ये ठंडा रहे। इसमें थर्मोकोल में तो मछली? हाँ, मछली आता है और मछली के साथ ही इसको लाया गया है, चूँकि थर्मोकोल के डब्बा पर जब स्पर्श करके जब देखा जा रहा है तो स्मेल जो आ रहा है वो मछली का आ रहा है, यानी कि ये मछली के आर में इसको लाया गया है। कुल कितने कीमत का होगा सर ये दोनों मिला के बियर और शराब? बोले तो 160 कार्टून हो रहा है तो 16 लाख रुपए का। सदन में शराब को लेकर हंगामा हो रहा है, मद निषेध आयोग भी कल मीटिंग किए।
ऐसे ही खबरों के लिए करें SAY24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।